24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। पहले तूफान के चलते उड़ीसा में नीट की परीक्षा हुई रद्द, केंद्र सरकार ने ट्वीट कर दी जानकारी। बीते दिनों फैनी ने पुरी के तट पर दस्तक दिया था, जिसके चलते पूरा आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आवागमन में भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में उड़ीसा सरकार ने 5 मई को होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर इसे स्थगित करने की सिफारिश कर दी थी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया है एवं ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर सुब्रमण्यम ने दी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नोटों की किल्लत से जूझ रहे आम जनता, छत्तीसगढ़ सरकार ने आरबीआई से लगाई मदद की गुहार। कांकेर जिला के पंखाजूर में इन दिनों नोटों की किल्लतों के चलते आम जन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके कारण उनका कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। नोटों की किल्लतों को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर जरूरी मुहैया मदद कराने की बात कही है। आपको बता दें, आरबीआई ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क के जरिए नोट परिवहन करने में रोक लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को किया वैश्विक आतंकवाद घोषित, पाकिस्तान ने सील की इसकी संपत्ति। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तानी आतंकवाद जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को बुधवार को वैश्विक आतंकवाद घोषित कर दिया है। इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है। आपको बता दें कि मसूद अजहर ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होने जा रही है आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, ऋतिक रोशन की क्रिस 4 से होगी टक्कर। इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग अतुल कुलकर्णी ने की है और इसका निर्देशन अद्वेश चौहान कर रहे हैं। फिल्म में आमिर खान लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे। ऋतिक रोशन की क्रिस 4 भी क्रिसमस पर रिलीज हो रही है। यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि दोनों में से कोई स्टार अपनी फिल्म को रिलीज डेट बदलता है या नहीं। फैनी तूफान ने उड़ीसा में जमकर मचाया कोहराम, 12 लोगों की ले ली जान। फैनी तूफान के चलते भुवनेश्वर में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फैनी के कारण अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात का जायजा लेने के लिए 6 मई को उड़ीसा जाएंगे। एक्टर सिद्धार्थ ने अक्षय कुमार और मोदी के इंटरव्यू पर कसा तंज, डोनाल्ड ट्रंप से इंटरव्यू करने की कही बात। फिल्म रंग दे बसंती के साथ ही बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाले एक्टर सिद्धार्थ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सिद्धार्थ ने पीएम मोदी के साथ इंटरव्यू की तर्ज पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंटरव्यू करने की बात कह रहे हैं। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार, 6 मई को पद यात्रा में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में 12 मई को होने वाले मतदान से पहले प्रकाश राज सभी 7 लोकसभा सीटों का प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के दिल्ली इकाई संयोजक गोपाल राय ने बताया कि प्रकाश राज इस सिलसिले में पहली जनसभा को उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के बाबरपुर को संबोधित करेंगे। पानी की बोतल में नशीली दवाइयों को भरकर करते थे सप्लाई, व्यापारी चढ़ा पुलिस के हत्थे। एक बार फिर रायपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही का नशीला दवाइयों का व्यापार करने वाले आरोपियों को धर दबोचा है। यह मामला नया पारा के आजम किराना स्टोर का है, जहां मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश दी और 118 प्लास्टिक की बोतलों में प्रतिबंधित कप सिरप के कार्टून को जब्त किया। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल को पड़ा थप्पड़, कारण अज्ञात। लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर जूता और थप्पड़ पड़ने का चलन चल गया है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोड शो के दौरान एक अज्ञात ने झापड़ मार दिया। झापड़ मारने का कारण पता नहीं चल पाया है। होगी चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग, 20,000 लोगों को मिल सकता है लाइव देखने का मौका। आंध्र प्रदेश के द्वीप श्री हरिकोटा में बने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसके लिए इसरो ने एक विशाल स्टेडियम बनाया है, जहां इसरो के 2 लॉन्च पैड हैं। यहां से चंद्रयान के लॉन्चिंग को सीधे देखा जा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने एक बार फिर भाजपा को लिया घेरे में, कहा रायपुर के स्मार्ट सिटी नहीं बन पाने के लिए पूर्व की सरकार है जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रायपुर शहर का स्मार्ट सिटी की सूची से बाहर होना पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, निश्चय सांसद रमेश बैस के राजनीतिक द्वेष का परिणाम है। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद पीड़ादायक खबर है। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP24 न्यूज में। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।